सभी भैया बैठ जाओ, सारी रात दंगल होना है। कितना बढ़िया नंबर गाया हमारे बीके मधुआ की तरफ से। देखिए एक कहावत गई है बाजे मास्टर कि कानो से कानो कहो जो कानो जाएगा रूठ, और होले होले करके पूछियो तेरी कैसे गई है। मेरा पहला नंबर था, बड़ी ही सभ्यता से मैंने नंबर को गाया, छंदवी लेक से गाया, रसिया भी लेक से गाया और चीज भी मैंने लेक से ही गाई। मगर उस मर्यादा को भूलते हुए बहुवी भाई मधुआ उस्ताद कामर गए, तब तो रसियाबाजी बिल्कुल भूल गए। मैंने बड़ा हल्ला किया था, कमेटी पूछ रही थी तुम्हारी चक्कर का कोई है। मैंने कि भैया बुलाए थे, कहता अगर टक्कर ले ले तो, मगर कोई बात खास नहीं। और बात काते रहे, ये मर्द बच्चा है, ये कभी आज तगड़ी और बादे का नई मंच पाया है, ये कभी रसियों में तो आपने नहीं देखा होगा, मगर तुम तो जरूर निवास में तो पकड़ के लाए हो जाए। गली में हकीकत बात है, गली में जो पीट पीट के 1500 रुपया मांग रही है, वो आज मंच पर नाच रही है, तुम्हें शर्मा लो चाहिए। कोई बात ना, कोई बात ना, बात कर रहे हैं कितना बढ़िया गाया है भैया, तो भैया ना जितो तुम्हारी दूध और एक प्याज और लो सुनीता की तरफ से। सुनीता शर्मा तुम तो 30 साल से जा रही हो, हमारा जन्म भी नहीं हुआ। हकीकत बात है ये, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ और मैंने रसियाबाजी की, मगर तुमने कुछ नहीं सीखा। सुनीता शर्मा ने सुनीता शर्मा से सीखा अशोक शर्मा ने, जो आज नाम अमर कर गया। बेचारा वो अच्छी जगह पर है और हम खराब जगह पर है। अशोक शर्मा कैसे अभी उठा के देख लो सुनीता शर्मा की। अरे भैया, ये जो लग रहो है मैं तुम्हें प्रज्ञा सा बोल रहा हूँ, ये जो लग रहो है जागू ना, तुम देख रहे ना मैं देख रहा हूँ, केवल इनमें एक लड़का देख रहा हूँ तो काली जर्सी पहन के चौक जी कह रहे छोटी छोट, यही एक लड़का देख रहा हूँ कि ये लग रहो है। अकल के अंधे हो, जब ने हाथ उठवाए तो केवल किसी का हाथ नहीं उठाता, कि ये उसमें गाया था यूट्यूब में, इस लड़के का हाथ उठाता केवल, ये नहीं समझता है कि जो गा रहे हैं वो यूट्यूब में जा रहा है। चांदी लाला
अखाड़ा लीडर बैरग वाले दीदा बाबू जो अन्नमासमा दंगल हो रहा है, सुनीता शर्मा अखाड़ा गुलजारी लाल, ये रसिया वाले जानते हो, तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम जान जाओ। उतना बोला करो कि जितना सभ्य समाज में बोलने का दायित्व है, जितना दायित्व तुम्हें दिया है सभ्य समाज के अंदर उतना बोलिए। ये चार अखाड़े एक ही बाप की औलाद है, चाहे कुछ गा सकता है कोई भी। ये पीके मधुआ में तीन अखाड़े इस समय चल रहे हैं, एक अशोक का लड़का आकाश, एक हमारे बॉबी शर्मा, एक हरि के नगला का समूह बाग रहे। सब उन्हीं को गाते हैं, सब उन्हीं को गाते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि ये एक ही गुरु के शिष्य हैं। इस पर उंगली मत उठाओ, उंगली वहां उठाओ जो इस मंच पर हो रहा है। मैंने एक रसिया गाया था, उसी को उंगल भीतर को जासे बदल गयो इतिहास। इतिहास बदला था मैंने, और कभी भी जल की झारी में उंगली नहीं घुसती है, बुद्धि का विवेक का इस्तेमाल करो। दही अंगूर डाल के बिछड़ू आनंद कंद, ये तुम्हारा लिखने वाला बेकार है बॉबी शर्मा, तुम लड़ाते तो रसिया लड़ जाता है। ये लिखने वाला बेकार है, ये नहीं सुनता है मैं क्या कह रहा हूं। कछु लिखो या मत लिखो, थाली लगाओ हाथ उठाओ, चलना गिरने दिया है जब धार करी है बंद, दो उंगल वही डाल के जब बिछड़ू आनंद। इसमें उंगली तो नहीं आई, केवल तीली डाली थी, उसमें शुक्राचार्य जी छिपे बैठे थे सूक्ष्म रूप बना करके। ये इतनी हिंदी नहीं बोल पाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ, तो आंख में लगी तीली तो वो शुक्राचार्य काने हो गई। ये क्या कह रहे, वो दाई बुलाई तो दो मरियम हमें डांट गई, बात तुम्हारी अम्मा को इतिहास बदल दो तो बाबा को बदल दो। हमारे खरीबा गंगाराम जी आए हैं भी निवास के दंगल से, बार बार उनका अभिनंदन करते हैं। अब बताइए, दो हर बच्चे की गले में जब उंगली डाली जाती है तो उससे इतिहास बदल जाता है। और ये कह रहे हैं कि हम छंद को लड़ाएंगे रसिया। एक छंद रखा था, ध्यान से सुनो, तो बार बार सुग्रीव ने समझाए, हनुमान ने त्रेता और द्वापर में कोई भेद बतायो है। तुमने किसी ने ये सुना कि बलराम जी ने किससे कहा था? हम बार बार कह रहे हैं तो बलराम जी कह रहे हैं, और तुमने सुना कि कौन कह रहा है? वो आदमी कौन था जो सुन रहा था और ये क्या गा रहे थे? मैंने आंसू बहायो तचनाए पावे गो, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका? हाँ बोलो बोलो। मैं कह रहा था तो दूर दूर के देख रहे, नजर उठा के देख ले बेटा, घूर घूर के। ये हिंदी के साहित्य के शब्द हैं। ये लड़के ये क्या कह रहे थे, तो रूर रूर के देख रहे। रूर माने जानते हो क्या होता है? रूर माने क्या होता है? जो लड़ाई में आदमी जब भेड़ा का पड़ता है, जब कहते हैं कि रूर के मारो, और ये क्या करे, रूर रूर के देख रहे। अकल विदा कर दूंगा, लिखने में एक कलम नहीं थम पाओगे। लाइव में आए के प्लॉट मांग रही है 101 रुपए का इनाम, उसका नाम ही बता जाओ। बलराम किस बानर से कह रहे थे जो कि लंका की गलियन में घुस घुस तक ही पराई नारी है, लड़ाने की औकात है? अरे एक कुछ कितना पागल है गया हो, अरे एक जे कितना पागल और है गया, और जित करे जैसे और दोस्तों एक मैंने छोटा सा एक टुकड़ा दिया था, अकेला पोतो रह गए हो, आप बताइए गाया उन्होंने? हाथ उठा के बताइएगा गाया, अकेला पोतो रह गए हो? बिल्कुल हाथ मत उठवाओ, भसिया मारे बहुत समझ, मेरी जान कहां भजे बजे, आवाज तो हल्की होते हैं।
आवाज तो वही की भी होती है, वो भी किल्लाता है, इतने मत किल्लाओ, गधने की तरह नोट करना मेरी बात नहीं, तुमसे नहीं कह रहा हूँ शर्मा जी, मैं गधाते कह रहा हूँ। हाँ जी हजबा साहब अच्छा बुरा न सोचता और तेरे का पी लिए भंगे। मेरी लाइन थी गधा ना गैया बन सके चंगा रोज नहाओ गंग, ये हिंदी व्याकरण का मुहावरा है। और तुम क्या कह रहे थे, इसे लिखने वाले की अकल फिरा दो, ये कह रहे थे जो अच्छे कर्म करे गधा तो हो सुवरन को रंग। ये कौन सी व्याकरण को मुहावरो है? है? अब सुनो और बाबू शर्मा सकती नहीं और कोई तेरी फटी फटाई चंगे। काफिया देखो भंग और चंग और छंदमा साहब एक दोहा और देख करे नहीं विश्वास तू करे नहीं और विश्वास तू और का पड़ जावे खलपान अरे पड़ जावे खलपान और द्वापर में इस बास दे और मैंने तीनों है हल थामे। क्या कह रहे थे, प्यारे प्रश्न अब आपके हल करते बलराम। कौन सा प्रश्न हल किया जो कछु ना जानता बंदर से तुमको प्रश्न में भाज रहे लड़की, कौन सा प्रश्न हल किया? अब ये दोहा दे रहा हूं इसके एक एक अक्षर को देखना। करे नहीं विश्वास कोई चाह पड़ जावे खल पाम, समझ में आई? करे नहीं विश्वास कोई चाह पड़ जावे खल पाम तो पर मैं इस वास्ते मैंने लीना है हल। एक एक लाइन का अर्थ होगा बेटे, लिखना सीख जा पहले। अब देखो बलराम जी क्या कह रहे हैं और उसका नाम लेकर के आना किससे कह रहा हूं मैं। और कह रहे बलराम जी बात करी मैंने और बात करी मैंने देखे हमेशा घास करी मैंने देखे हमेशा और तेरी आदत ना है सुधारी है और तेरी आदत ना है सुधारी है और तेरी आदत ना है सुधारी है और त्रेता युग से आज तलक और मैं तुमको सुता हाजा। चौधरी लक्ष्मण सिंह भी आ गए हैं, ये भी पैरा का खाड़े के उस्ताद हैं। क्या कह रहे हैं बलराम सुनो, घात करी तेरे देख हमेशा आदत ना सुधारी है ओपी वर्मा और त्रेता युग से आज तलक की तेरी दुंगो चुपा उधारी है। बलराम कह रहे हैं देखना किससे। Oh!
हाँ साहब ओपी वर्मा, जो मैंने जवानी जोश दिखायो लच्छ ना पावे वो। और तुम क्या काफिया लिख रहे थे? जो मैंने अन्न हमेशा खायो पचना पावे वो। और हम क्या कह रहे हैं? शर्मा सुधीर को पानी पचना पावे वो। तुमने कहा लिख दो, तुम्हारे पापा कहा गए के कान खोल के सुनो, जब मैं गा रहा हूँ तुम गा रहे हो, चैलेंज दे रहे हो, हम सब चीज लड़ा रहे हैं तुम्हारी, बस अब दिखाओ पंजाब चली जाऊंगी। कहाँ गई जे? बड़ी हल्ला मचा रही है, है? बज गई ना, यही तो बात है। पंजाब चली जा, अरे मद्रास चली जा, हर जगह चली जा, पर वहां नहीं जाऊंगी। सुनीता जी, हर जगह चली जाऊंगी पर वहां नहीं जाऊंगी। चढ़ती जमानी हो राजा, चढ़ती जमानी हो राजा, नदिया उड़ाएगी। चढ़ती जमानी हो सैया, चढ़ती जमानी सैया, नदिया उड़ाएगी। न जाऊंगी बिहारी की वो और एक कह रही, हमारे बॉबी शर्मा जी कह रहे कि वोट तो मांग रही है, प्लॉट तो मांग रही है, और तुम कहते बोला कहते भाई हाथ उठा के वोट दे देंगे। अब बज गई तो तुम सागर, अरे भरपूर एज में कम है नॉलेज में, पढ़वे कॉलेज में सिलेक्ट मांग रही है, पढ़वे कॉलेज में सिलेक्ट मांग रही है, अरे पढ़वे कॉलेज में सिलेक्ट मांग रही है। अरे डोरा डार फेंट पे देखो बस स्टैंड पे, गोल गप्पे खावे कुत्ते लेट मांग रही है, जोर से खावे कुत्ते लेट मांग रही है। और दोस्तों, और हमारे उपाध्याय जी नमस्कार करता हूँ मैं आपके लिए, हाथ से बना रहे एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई शर्मा जी के लिए। डोरा ठंड पे देखो बस स्टैंड पे, गोलगप्पे खावे की प्लेट मांग रही है, अरे गोलगप्पे खावे की प्लेट मांग रही है। गोलगप्पे खावे की प्लेट मांग रही है। आइए इंग्लैंड से देखो स्टैंड से, लगती बहूर है पर जाना सहूर है, लगती बहूर है पर जाना सहूर है, जे बार काट दे प्लेट मांग रही है। तो मांग रही है पर भाज गई दारी, कोई बात ना आ जाएगी मेरे ननसारी अंदर कछु मत कहियो, ये ननसारी अनाज तो ससरारिया है, और वो चला रहे हो तो बड़े जल्दी कूद के आए गए। क्या कह रहे हो? प्लॉट मांग रही है तो हम सुने कहे आराम दे अशोक भाई, मीठी मीठी फंस गई है रट्टे में सरकारी पट्टे में, आज जगन में फंसी है। क्या बात है, फंस गई है रट्टे में सरकारी पट्टे में, सट्टे में हम तो अलीगढ़ के ही रहने वाले हैं, अलीगढ़ वाले हमारे पास है भैया, मगर हमें इज्जत करते हैं,
तुमको बाहर से बुलाया, हमको फटका गाना शोभा नहीं, लेकिन सुनीता की बराबर कोई फटका गाने वाला है नहीं है। इस गंगा यमुना के बीच में मगर सुन, एक ही फटका में तू उल जा जी जनता ना है, तू जरूर उल हो, तेरी चूतरण में गुलगुली जरूर हो। फंस गई है रट्टे में सरकारी पट्टे में सुनीता ना कहेगी तुम ताली बजाओ में हाथ उठाओ। फंस गई है रट्टे में सरकारी पट्टे में, गांव के बाहर को ऊसर मांग रही है, गांव से बाहर को ऊसर मांग रही है, जो से बाहर को ऊसर मांग रही है, जो मांग रही है, जो मांग रही है मुल्ला जी आमंत्रण में अब जगह हकना है अलीगढ़ में तो ऊसर रही है तुम्हें नहीं। अरे फंस गई है चक्कर में सरकारी काम से बाहर को ऊसर मांग रही है, गांव के बाहर को ऊसर मांग रही है। अरे तिहाई चोट में तू ऊसर की चोट में तू, अरे तिहाई चोट में तू ऊसर की चोट में तू, और कल्टीवेटर धम धूसर मांग चाचा। अरे सच्चाई खुल गई है पोल लगी खुल गई है, सच्चाई खुल गई है पोल लगी खुल गई है, सच्चाई खुल गई है पोल लगी खुल गई है, सच्चाई खुल गई है पोल लगी खुल गई है, पुलिस घर घर में सुसर मांग रही है, मांग रही है ना है। सच्चाई खुल गई है पोल जाकी खुल गई है, पुलिस घर घर में सुसर मांग रही है, अरे पुलिस घर घर में सुसर मांग रही है, घर घर में सुसर मांग रही है, तिलक कंटी में टन से काम न चलाए रही है। सोच रहे धीरे धीरे ही निकाल ले मगर मान नहीं ना, देख रही है बोरा से तिलर कंटी में कर से काम न चलाए रही है, खेत में तू बाबा को के छोरा मतवारे जय रंग रंगीलो कर देंगे, जय रंग के छोरा मतवारे जय रंग रंगीलो कर देंगे, जय रंग रंगीलो कर देंगे, पंजाबी नारी बहुत बुरे तो तेरो लहंगा की हो। मास्टर दादा खास बात क्या है, बढ़िया बात, भाभी जवानी जवानी में भर रही है, दवाई जगन बना लो तुम तो कछुना है ना तो उल नहीं है जे एक को छूते ढाई ढाई मन को लेके खेल दो आज ना मानने को जे, भाभी जवानी में रात की कहानी में, भाभी जवानी में रात की कहानी है, भाभी जवानी में रात की कहानी, भाभी जवानी में रात की कहानी में, भाभी अरे भाभी जवानी में रात की कहानी में, और ये बिजली को कर रो सो सोट मांग रही है, बिजली को कर रो तो सोट मांग रही है, बिजली को कर रो तो सोट मांग रही है, समझा नहीं जाता जे भाभी जवानी में जा रात की कहानी में,
बिजली कम कर रहे हो सब मांग रही है और होटल ने रचाए बेकू यार ने दिखाए बेकू होटल ने रचाए बेकू यार ने दिखाए बेकू जी होटल ने रचाए बेकू यार ने दिखाए बेकू गोल्ड बॉल छोड़ को टका करबे तू शायरी जे लेके बैठी डायरी डायरी रे अरे केरो के राय में प्लॉट मांग रही है और हम क्या कह रहे हैं करबे तू शायरी लेके बैठी डायरी खत्म भई स्याही को पोट मांग रही है खत्म भई स्याही पोट मांग रही है खत्म भई स्याही पोट मांग रही है खत्म भई स्याही निकाल जाओ इनको पोट मांग रही है ओ आ रही ना आप में फंस गई है जापे में और आ रही ना आप में फंस गई जाके जापे में और लिख दे तू लोड़ा की गाया मेरे भैया भाभी ने अरे तू कैसी है प्यार प्यार से भैया समझा के तू कैसी बेहाना की तेने करवाई दई खुआरी अरे तू कैसी बेहानारी तेने करवाई दई खुआरी कौन को बता दे धंगो डोले उलो उलो है लल्ला तुम जाई बात कह रहे छोटे छोटे बच्चा है जो पी के मधु आके देख ले नजर देख रही हो कितने छोटे हैं तो हम इनसे कोई बात कह रहे हैं लल्ला जाई कह रहे तुम डोले उलो उलो है भैया ना है घर पे पेट कैसे भूलो है तुम्हें ना मालूम तुम्हें ना मालूम मैं बताऊं सुनो 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 साल रसिया ताए तो अनुभव भी है हमें तो हम क्या कह रहे हैं सुने ए राय वाले हो भाई तो कह रहे हैं तेरी धाड़ों पे के पलट के देख मेरी जा और तमन्ना हम भी रखते हैं कि पलट के देख मेरी जान और तमन्ना हम भी रखते हैं रखते हैं कि नहीं अगर तुम कैद रखती हो तो ये पल्ला पंजाब चली जाऊंगी तो कहना क्या है कैसे पेट फूला ये गौर करेंगे आप तेरी देख गई मंत्री तेरी देख रही मारी तेरी नस नस में मारी तेरी नस नस में मारी अरे तू छोड़ कसम तू आई तू छोड़ कसम तू आई तेने बोली पदी बिचारी का करो ये नस नस में मक्कारी ये जवाब है कि एक नंद अपनी भाभी से कह रही थी कि मेरे भैया घर पे ना आए तो तेरे पेट कैसे फूलो है और मैं बता दूं वो नंद कौन ही वो नंद थी देखिए ये रसियाबाजी है जवाब सटीक हो तो जवाब कहते हो नहीं लिखना धिक्कार है
वो नंद थी, घर घर में ज्योति जलती है जहरवीर बाबा की, उस नंद का नाम था छबील दे। और जो सीरियल थी जहरवीर को ये कह दिया था माने के मुझे मुंह मत दिखाना, तो जहरवीर छुप छुप कर सीरियल के पास आती थी रात को। जब नंद छबील दे ने कहा भैया ना घर पे पेट कैसे फूलो, तो देखो वो सीरियल रानी क्या कह रही। तेरी नस नस में मतारी, तेरी नस नस में मतारी, तेरे मन में नहीं बिचारी, तेरे मन में नहीं बिचारी, तू हो तू छोड़ खसम को आई, जो गई है मत मारी, और तू छोड़ खसम को आई, तेरी गई है मत मारी, अरे पेट कैसे फूलो, अरे पेट कैसे फूलो, लल्लू तुझे तेरी अम्मा है। और ये 50 रुपए भरे भैया टीके फोन लाइट वाले दे रहे। अरे पेट कैसे फूलो तेरा, पूछे तेरी अम्मा है, पेट कैसे फूलो तेरा, पूछे तेरी अम्मा है, जुनाए सुनाए पेट जा को फूलो काटे काहे पर कंकार है, पेट जा को फूलो और बलराम का कह रहे भैया और कह रहे थे बलराम अरज पावर कुल को अरे तू है अंशी, अरे पानर कुल को और तू है वो अंशी। ए भैया सुनो छंदों में कैसे लड़े वो, पानर कुल को और तू तो अंशी, अरे जब सुग्रीव ने तेरे बचायो है, जब सुग्रीव ने तेरे बचायो है, जब सुग्रीव ने तेरे बचायो है, और भूल और तेने आए कि जब तुम तो बचाओ क्या खाता खुलो जचना
हाँ जी कपाली आज बसंत पंचमी का मेला निकला है यहाँ बसंत पंचमी पे नान भी हुआ कल कुंभ में तो लगाओ कासगंज भैर जो अलीगढ़ की शान है हमारे बाबूलाल उस्ताद गाया करते थे गाया करते थे भैरव वाले मगर यहां पर बसंत पंचमी का दिन था और द्रौपदी ने सोचा कि मैं स्नान करने के लिए जाऊं तो क्या हुआ देखिए
खाते थे। पहले एक रसिया दिया मैंने, उसी जो आपको भीतर को कोई बात नहीं, अब तो फिर नया रसिया। द्रौपदी स्नान करने के लिए जाती है तो क्या देखा, अरे बैठी होश रही है बन में, ओ अरे बैठी मन में होश रही है, बबू भाई के बैठी होश रही है मन में, जाने ऐसी खुशी मनाई है, अरे कैसी होश रही है मन में, अरे जाने ऐसी खुशी मनाई है, तो एक दिन वो नार द्रौपदी जमुना है, जब चौना जी नहाने के लिए द्रौपदी पहुंच गई लगे रहो मीठी मीठी लगो, तो आगे क्या हुआ सुने, क्या हार उतार पार रख दिलो, क्या देखे हार उतार पार रख दिलो, और एक मछली देखे और पिकल भैये, क्या हार उतार पार रख दिलो, और एक मछली देख बिकल भई है, और वो तो देखत की ही देखत रह गई मछली हार, अरे देखत की वो तो देखत रह गई मछली हार, अरे देख देख द्रौपदी रानी रह गई, ए रे जाके दिल तू तो अब मैं जाके दिल तू तो बधे ना धीरे दे, और ये 20 रुपए हमारे धर्मपाल जी और ढूंढ रही है, और जो ढूंढ रही है जाए हार मिलो ना, और मन ही मन घबराई है, एक ना वो नाम द्रौपदी चला है, ये 50 रुपए हमारे बी के कुंड राव रावत वाले देते हैं, और आगे क्या हुआ, क्या वो हार नौलखा मछली के और गले में देखे अटक गया है, के बुहार नौ लखावा मछली के और देख गले में अटक गयो है, और गले में आए अटक गयो है, और जो घात लगाए के
और जो घात लगा के बगुला बैठो मछलियां देख और हाथ लगाए के जब बगुला बैठो मछलियां देख मन में ऐसे कही रही जब भेद नहीं समझा तो क्या हुआ कभी भेद समझ ना पाई नानी और जब तीनों कर्म आई है एक नाथ नाथ द्रौपति भैर में पड़ी घोपड़े में घुस जाएगी क्या सुनो शिकारी और बात हमारी चौबाई गोपी वर्मा उतार रहे हो क्या लड़ा रहे हो उतार रहे हो जब हेरे के लड़ा रहे हो जब द्रौपदी घबराई के तो मछली ने हार निकला और मछली को निकल गया बगला अब हार दो के अंदर चला गया एक और एक दो जब द्रौपदी रोने लगी तो शिकारी आया बोला कि बहन द्रौपदी घबराओ मत एक बाण मारूंगा बगला गिरेगा नीचे और पेट में से मछली निकाल के तुम्हारा हार निकाल दूंगा तो द्रौपदी का बोला बोली जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए मेरी यही तो एक शर्त है इनसे शर्त रसिया वालों से कि हार को कैसे निकालेंगे ये हार इन्हें निकाल के देना है तो द्रौपदी शिकारी से क्या कहती है तो देख शिकारी सुनो हमारी और चौपट में बचन उचारो है वो शिकारी सुनो हमारी और चौपट में बचन उचारो है और अनिल केला वालों बचन उचारो है और मरे न बगुला जिम मरे न बगुला मरे न मछली मिल जाए हार और अखाड़े वाले के जहार ढूंढ के लियो लाला और हार ढूंढ के
हाँ जी लगाओ बताइए कट पीस। अच्छा भाई ना हाँ जी मां साहब दिखाओ अब ना छुपाऊंगा सबको बताऊंगा सनम मेरा प्यार तू है सनम मेरा प्यार हाय मेरा दिल तेरा आशिक ये तेरा डा 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 ना छुपाऊ ना सबको बताऊ ना तुझको कसम से मैं अपना बनाऊ ना मैंने किया है तुझसे प्यार सुनिए रे सुती रही सारी जिस तक मन चपे लग रहा जाए मत समझे इस पंच संत पंचमी को लगो और कोई मेला आज जयगंज कई साल के बाद में आज मेला लगा है बसंत पंचमी का तो जो जयगंज वालों क्या कह रहे हैं तू है सनम मेरा प्यार है मेरा दिल तेरा आशिक जगंज बारे कह रहे सुन रही है सुन रही है बसंती दारू में आज बसंती अरे दारू में आज बसंती दारू में आज बसंती कहा दारू दारू में रंग बसंती अरे दारू में रंग बसंती दारू में रंग बसंती दारू को पर रंग बसंती रंग तो रंग बसंती दारू को पर आज बसंती रंग तो रंग बसंती होरी हिल मिल के खेलू सुन नहीं है होरी हिल मिल के खेलू तेरे में संग बसंती होरी में हिल मिल के खेलू तेरे में संग बसंती होरी में हिल मिल के खेलू तेरे में संग बसंती होरी में हिल मिल खेलू तेरे में संग बसंती और अरे ठाड़ा बसंती तेरे द्वार सुन रही है होरी में मिल के खेलू तेरे में संग बसंती होरी में हिल मिल खेलू तेरे में संग बसंती और अरे ठाड़ा बसंती तेरे द्वार अरे ठाड़ा बसंती तेरे द्वार तू आए जा दादी बसंती अरे ठाड़ा में आए तेरे द्वार तू आ जा
बसंती। आओ पल्लेदारों समय आएगा तुम्हारा। और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया की तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद।